ओके तो इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि हाइट मैप, डिस्प्लेसमेंट मैप, नॉर्मल मैप और बम्प मैप, इनमें क्या डिफरेंस है। तो पहले बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट मैप की। तो डिस्प्लेसमेंट मैप बेसिकली एक 2D मैप होता है, 2D पिक्चर होता है विथ ब्लैक एंड वाइट, ब्लैक ग्रे एंड वाइट इमेज, जिसमें आप फाइन से फाइन डिटेल्स वो 2D इमेज में कैप्चर होता है ब्लैक ग्रे और वाइट के फॉर्म में। इसमें एकदम प्रॉपर फाइन से फाइन डिटेल्स रहेंगे कि कहाँ पे कैसा, किस तरह का शेप है वगैरह, कैसा रहेगा एकदम एक एक वर्टेक्स को। मतलब अगर ये जो मैप है, ऐसे मैं अगर मेरा जो सिंपल सा प्लेन है उस पर मैं सब डिवाइड कर दूँ 3-4 बार तो हाई सेगमेंट्स आ जाएंगे। अब उस पर अगर मैं उस नॉर्मल से प्लेन पे, जो सिंपल प्लेन था उस पर मैं किसी तरह से डिस्प्लेसमेंट मैप को कनेक्ट कर दूँ, तो जो मेरा डिस्प्लेसमेंट मैप में इंफॉर्मेशन था वो 3D प्लेन पे आ जाएगा। अगर हम वर्टेक्स का अमाउंट हाई कर दें तो एक प्रॉपर वो शेप ढाल लेगा कि हाँ इस शेप में हमारा डिस्प्लेसमेंट मैप है। डिस्प्लेसमेंट मैप, हाइट मैप, नॉर्मल मैप और बम्प मैप, चारों का तरीका, चारों सिमिलर ही हैं। काम करने का तरीका तरीका भी सिमिलर है, बस कुछ कुछ चीज़ें सब में डिफरेंस है। नॉर्मल मैप बेसिकली पर्पल फॉर्म में होता है, जितना डेप्थ ऊपर होते जाएगा उतना उसका कलर वाइज डिफाइन होता है कि ऑरेंज कलर आया तो कैसा, कितना हाइट होगा, कितना डेप्थ होगा, या फिर ग्रीन कलर आया तो कितना हाइट, कितना डेप्थ होगा, वो नॉर्मल मैप और बम्प मैप में वो सब होता है। और डिस्प्लेसमेंट मैप और हाइट मैप बेसिकली वाइट, ग्रे और ब्लैक के फॉर्म में काम करते हैं। और मेजॉरिटी ऑफ द टाइम हमसे ये, हमें कंफ्यूज करने के लिए पूछा जाता है कि हाइट मैप, डिस्प्लेसमेंट मैप, नॉर्मल मैप और बम्प मैप में क्या डिफरेंस है। तो बेसिकली सारे के सारे काम करते हैं किसी सिंपल से ऑब्जेक्ट पे एक्स्ट्रा डिटेल ऐड करने का, एक्स्ट्रा डिटेल ऐड करने के काम में आते हैं बस, इनका और कोई काम में नहीं है। सिर्फ जो भी हमने अभी तक नॉर्मल प्लेन बनाया था उस पर एक्स्ट्रा फीचर्स और कैसे ऐड किए जाए, नॉर्मल मैप के थ्रू, बम्प मैप के थ्रू, डिस्प्लेसमेंट के थ्रू या हाइट मैप के थ्रू, उसको कैसे हम अपने सिंपल से प्लेन पे ला सकें, बस मेन फंक्शन वही है। बस अलग अलग तरीका या पर्पस है कि मतलब ऐसे ऐसे आएगा। फिलहाल इस वीडियो के लिए बस इतना ही था कि ये चारों मैप में डिफरेंस क्या होता है। चारों मैप सिमिलर हैं, मतलब सिमिलर नहीं है, हाइट मैप और डिस्प्लेसमेंट मैप सिमिलर है जो कि ब्लैक, वाइट और ग्रे के फॉर्म में काम करता है, और बम्प मैप और नॉर्मल मैप सिमिलर हैं, दोनों ही एक दूसरे के आप तो फर्क नहीं पता लगा पाओगे, बट काम एक ही तरह से करता है। डिटेलिंग मतलब सिंपल से एक प्लेन पे एक्स्ट्रा डिटेल्स ऐड करने के काम में आता है वो, बाकी सब कुछ सेम। तो अगले मिलते हैं अगले वीडियो में।